हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसएमसीक्यू द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी रेन गेज से एंड डी ऑडोमीटर से। द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी फैदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर एंड डी टैकोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। आंसर ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी हाइग्रोमीटर से एंड डी अल्टीमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। आंसर ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट, भूकंप मापी यंत्र है? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, बी स्ट्रोबोस्कोप, सी डिक्टाफोन एंड डी सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र है, इनमें से कौन सा है वह भूकंप मापी यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? आंसर ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप मापी यंत्र है। आंसर ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन ए आवृत्ति में, बी तरंग में, सी डेसिबल में एंड डी श्रोत्रांग में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आंसर ऑप्शन सी डेसिबल में। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर से, बी मैनोमीटर से, सी ऑडोमीटर से एंड डी बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। आंसर ऑप्शन डी बैरोमीटर से। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।